आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये टीसीएस वाला जो क्लास है वो क्लास नंबर आपका कितना है, तो अपना क्लास नंबर याद रखिएगा। सारा पीडीएफ आपका अप टू डेट है। ये क्लास नंबर आपका 24 नंबर क्लास है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक टीसीएस में आ चुके हैं। टीसीएस यानी जितने भी एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाया रेलवे का अभी तक, ग्रुप डी बोल लो, आरपीएफ बोल लो, आरआरबी, जेई, एएलपी बोल लो, और 25-26 क्लास के बाद ना पूरा जितना पीडीएफ है उसको दोबारा कंबाइंड कर एक में आप सभी को दे देंगे। उसके पहले एक बात मैं आप सभी को और बोल दूं, मैथ के रिगार्डिंग आज तो आपका मैथ का अलजेब्रा होगा ही होगा लास्ट पार्ट, लेकिन कल से टोटल 1000 क्वेश्चन, बेस्ट 1000 क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। टॉप किस एग्जाम के लिए? ग्रुप डी और आप सभी का एनटीपीसी के लिए। तो आपका एक कर्तव्य बनता है, अपना टारगेट रखिएगा ना कि ये 1000 क्वेश्चन को आप सभी को अटेम्प्ट करना है। 1000 क्वेश्चन में टारगेट कितना रखना है? कम से कम 850 क्वेश्चन प्लस हमें सही करने, या कम से कम 800 प्लस तो सही करने ही करने। जिस तरह रात को 10 बजे रीजनिंग का सेट करवा रहा हूं, 1030 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, और रीजनिंग में टारगेट क्या लेकर चल रहा हूं कि 1000 में कितना सही करना है, 900 या 950 प्लस सही करना है, क्योंकि रीजनिंग आसान है। रीजनिंग में आपको पूरा का पूरा टारगेट कर चलना है, लेकिन मैथ में एक एक नंबर आप छोड़ सकते हो। रीजनिंग का टाइम आप सभी को पता है रात को 10 बजे, और मैथ का क्लास तो आज चलेगा ही चलेगा। कल से आपका ये 1000 क्वेश्चन का सेट आप सभी का चलेगा शाम को 6 बजे से। तो टाइमिंग याद रखिएगा, नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए आप क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि ये बेस्ट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अति संभावित प्लस जो रेलवे हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछ चुका है, पूरा 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप सभी को कराऊंगा। इसके बाद आपको ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो क्लास को स्टार्ट करूंगा, और अपने आप को जज करिएगा कि आज की क्लास में 25 में आप कितना आंसर सही कर पा रहे हैं। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो हमारा खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर भी आप सभी दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये, और मैं पहले बोलूंगा आज का सेट आसान नहीं है, आज का सेट काफी हार्ड है। चलो टाइमर आप सभी का स्टार्ट है, आप सभी को बताना है इसका आंसर होगा क्या, जल्दी से फटाफट, 24 सेकंड बाकी है, 23 सेकंड, और कोशिश करिएगा जितने भी मेरे भाई बहन, मैं एक बात बोल दे रहा हूं आप सभी को, मैं बार बार बोल रहा हूं, जीएस वाला प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, क्योंकि पूरा कंसेप्ट जो जितना भी कंसेप्ट के ऊपर सवाल आ रहा है, सवाल रटने से आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल से ना 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, जिस सेट से मैंने ये क्वेश्चन उठाया आप देख लेना, 4-5 क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से बना है। देखो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी का, यहां पर टाइमर अप, यहां पर बोल रहा है ध्वनि, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, एडजस्ट थोड़ा करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा है आज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्वनि किस माध्यम से अधिकतम गति से यात्रा करता है, किस मीडियम में? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना भी चाहिए, सॉलिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न हमारे सामने, और इसके लिए भी हमारा टाइमर होता है स्टार्ट, निम्नलिखित में से कौन, यहां पर बोला है पारिस्थितिक पदी चिन्ह की माप की इकाई है, अच्छा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कौन मेजर करता है, इसका मेजरमेंट क्या है आप सभी को बताना है। आंसर है आपका ग्लोबल हेक्टर, उसके बाद गैलन पर कैप्चा, मैन आवर या क्यूबिक मीटर, जल्दी से 6 सेकंड लेफ्ट है आप सभी के पास। बिल्कुल ऑलरेडी आंसर आ भी रहा है, बिल्कुल सही है। देखो ज्यादातर आंसर गलती आ रहा है, मैन पर आवर बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, जिनका गलत है वो सुधार लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं ज्यादा सही बहुत जन करेंगे, गलती कितना होता है वो अपने आप को पढ़ देखना है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल हेक्टर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा लंबा है जिसकी मैं बात कर रहा था, और इस क्वेश्चन के टाइमर स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कानून यह कहता है, यानी कौन सा लॉ यह कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद अनुपातिक है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा ध्यान से क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं, रेलवे एससीसी से बैंक से रेलवे को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं।
मैंने कितनी बार बोला है, रेलवे का जो साइंस का क्वेश्चन है वो पूरा कंसेप्ट बेस आता है। 1000 क्वेश्चन रटने से नहीं होगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत गलती आ रहा है हमारे सामने, बहुत सारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारा क्लास करवाया जा रहा है 2 बजे आपको दोपहर में साइंस का, प्लीज कृपया कर कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट अगर एक बार अच्छा हो जाएगा सवाल कहीं से भी कर देंगे, वरना सवाल रटेंगे ना, नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगेन ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, सारा रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में। बताओ इसका आंसर क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे क्यों गिरते हैं? फ्रिक्शन नहीं होता है केले के छिलके में, सभी को पता, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, खुद मैंने करवाया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए, केले के छिलके की अच्छी नहीं ये पकड़, तो यार वहां फ्रिक्शन बता रहा है, यहां पर सी, बी, बी, केले का छिलका चिकना होता है और इस पर का घर्षण बहुत कम, बिल्कुल जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी। जज करिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आप कर पा रहे हो। 5 नंबर क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट है हमारे सामने। बोल रहा है यहां पर, पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन विश्व भर में किसने लॉन्च किया था सितंबर 2018 में? चलो क्या क्या दिया गया, इंडिया, चाइना, जर्मनी, श्रीलंका। श्रीलंका तो आप बोल नहीं सकते, इंडिया बोल नहीं सकते, माइंड में आएगा चाइना, थैंक्स की हाँ जापान नहीं है, वरना बहुत जन एग्जाम में जापान मारकर आते हैं। बट सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है आपका जर्मनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है 6 नंबर, और इसके लिए दोबारा टाइमर स्टार्ट होता है आपका ये। चलिए, वाहनों में कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के हानि रहित गैसों के कारण जहरीले गैस में परिवर्तित होता है? आपको यह बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना टफ आ रहा है, रेलवे के द्वारा यह सब क्वेश्चन आएगा और आप छोड़कर आएंगे। सही आंसर क्या है इसका? इन्वर्टर, रेडिएटर, अरे क्या बात है, उम्मीद नहीं किए थे कि इसका आंसर मुझे सही मिलेगा, बट सही आ रहा, क्या बात है, बिल्कुल कैटालाइटिक कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो बहुत जन पढ़ाई कर रहे हैं, वरना इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत यूनिक क्वेश्चन है, सही आ रहा, देख पा रहे होंगे आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है ये वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा है? लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या अपेंडिक्स, ये आपको बताना है। चलो भैया, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, एक बात याद रख, इसका ट्रिक भी याद रखिएगा, 23 फीट लंबा है ना, तो लंबा जैसे ही बोले वो उसका नाम क्या आना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं ना, ये 23 फीट लंबा तो बहुत जन बोलते हैं, लेकिन ये ना 23 फीट से ज्यादा होता है, इसका रेंज जो होता है वो 23 से 28 फीट के बीच में होता है। रेलवे 23 फीट बोला है तो आप समझ जाइएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने 8 नंबर, और इसके लिए टाइमर होता है स्टार्ट अप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, भारत में कौन सी जगह अपने हीरो की खनों के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, हीरा सबसे ज्यादा, डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा फेमस कहां पर है इंडिया में, कहां पर पाया जाता है? तो पन्ना, आपने नाम सुना होगा हीरा पन्ना नाम सुना है ना, तो इसको तो आप आंख बंद कर मार कर आएंगे सभी, पन्ना। लेकिन ये पन्ना है कहां पर, तो वो भी याद रखिएगा, आपका मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? कमलनाथ, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो भोपाल। ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि मलेरिया कैन बी क्योर्ड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग, बताइए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जन यहां पर पैरासिटामोल बोलते हैं, मैं देखा हूं अक्सर बार, क्या होगा यहां पर बोला है, ध्यान से देखिएगा, प्रशासन द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है, कैसे, जल्दी, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्यूनिन, ऑप्शन नंबर कितना है क्यूनिन? ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे आंसर तो मुझे याद हो गया है। अगला प्रश्न यहां पर बोला है, ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है कौन सा ऑर्गेनिज्म, ये आपको बताना है, फटाफट करवाते हैं क्वेश्चन। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, एनारोबे, ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। और इसको एक चीज और बोलते हैं हम लोग, वो भी याद रखिएगा,
इसको ये भी बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको ये भी बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ देगा, तो इसका भी आंसर आप सभी को ये बोलना है। ये भी एग्जाम में बोल देगा, ऑप्शन मान लो ये नहीं रहा तो ये बोल देगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है और इसका टाइमर होता है स्टार्ट अब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, यहां पर बोल रहा है डायबिटीज मेलिटिस को नियंत्रित करने के लिए लैंगरहेंस के आल्टेस द्वारा किस हार्मोन का उत्पाद किया जाता है। चलो इसका आंसर बोलना है आपको फटाफट। बिल्कुल इंसुलिन, क्या है आंसर इसका, इंसुलिन। और एक बात याद रखिएगा, अच्छा एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने। ठीक है, कब किया था तो वो भी याद रखिएगा 1921 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोला है, ध्वनि एक माध्यम में यात्रा करती है किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सीरीज में। ये तो क्वेश्चन मैंने टीसीएस वाले क्लास में ही करवाया और समझाया भी है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, अगेन आ गया क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से। क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। यार इसके लिए टाइमर मैंने बेकार दिया, सभी को पता है भैया हाइड्रोजन हीलियम आपका स्टार्ट होता है किससे, पीरियोडिक टेबल का रिक्वेस्ट कर बोल रहे हैं वीडियो देख लीजिएगा, आपको जीएस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्योंकि वहां से 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा, रट नहीं सकते पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन, अगर रटेंगे तो उसके ऊपर ही डिपेंड होकर जाना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रेलवे पूरा कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 14 नंबर और इसके लिए टाइमर होता है स्टार्टअप। क्या बोल, निम्नलिखित में से कौन दांत का कारण होता है। चलो रिंग ओर्म देखते हैं, दांत खुखाद खुजली क्या होता, वायरस फंगस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, क्या फंगस ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने और इसके लिए टाइमर दोबारा स्टार्ट करते हैं और ये रहा टाइमर आपका स्टार्ट। नासा 2018 अभियान द्वारा शनि के चंद्रमा और धूम केतुओं का अध्ययन करने के लिए वेधशाला का नाम क्या है, आपको बताना है। यहां पर पायनियर 10, उसके बाद आपका सोफिया, तो ये बहुत फेमस भी था और बहुत बार न्यूज में ये न्यूज में बहुत सारा ये जो क्वेश्चन है लेबोरेटरी, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट था आपकी न्यूज में मनमोहन सिंह के सरकार के समय। अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारा उसका निर्माण होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी 18 में बहुत चर्चा भी था, तो वो क्या था आप सभी को पता है, सोफिया। ध्यान से देखेंगे तो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16 नंबर और इसके लिए टाइमर, आप टाइमर देखते रहना, मैं बीच में बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइमर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपको टाइमर मेंटेन करना है जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 20 से 25 30 सेकंड सफिशियंट होता है आंसर देने के लिए। 17 निम्नलिखित में से कौन ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है, तो यहां पर किसी आंख बंद कर एक जो बच्चा कमजोर भी पढ़ने में वो भी बोल देगा भैया यहां पर नेचुरल गैस फ्यूल और कोल तो भैया सम्मान है, इसका तो प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, ये तो किसी को भी पता है, कोई भी बोल देगा। ठीक है, अच्छा यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 92 है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और इसके लिए टाइमर स्टार्ट। यहां पर बोल रहा है आप सभी को विच ऑफ दिस प्लांट हैज मल्टी कलर्ड लीव्स। अच्छा यहां पर डाउट है, हालांकि अगर किसी को भी पौधा दिखाया जाए ना तो आंसर बोल देंगे, लेकिन नाम पहली बार सुने होंगे। क्या है ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रोटन। अच्छा क्रोटन, ऑप्शन नंबर बी क्रोटन तो आपका सही है, लेकिन ये पौधा अब ये हम लोग देखे हैं क्या, सभी ने देखा है कैसा होता है, आप देखे होंगे बहुत जन के छत पर लगा होता है, मोटा मोटा पत्ता होता है, पत्ते के बीच से जो है अलग अलग पीला रंग का लाल रंग का कलर खिला होता है, आपने देखा होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रोटन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगेन ये क्वेश्चन हमारा आ गया, क्या बोल रहा है यहां पर, ठोस पदार्थों के तापमान को बढ़ाने पर कणों की यानी काइनेटिक एनर्जी की कणों की गतिक ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन डिक्रीज या फिर डिक्रीज, आपको बताना है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा,
कॉन्स्टेंट इंक्रीज 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 डी 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 लाइन से आंसर आ रहा है आपका इंक्रीज, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी आपका इंक्रीज। ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगेन ये क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बायोलॉजी का बहुत स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है, गैमेट डब्ल्यूबीसी आरबीसी, तो सभी को पता है इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़े, अगर आप ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आप एग्जाम, मैं बोल रहा हूं ना ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा और रेलवे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन को रटिए मत। क्या होगा, गैमेट ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे सामने 20 नंबर और इसके लिए फिर से टाइमर स्टार्ट। देश में सभी मालखानों जब्त हथियार और गोला बारूद को रखने के लिए डिजिटली किरण करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में, जितना भी रेलवे का क्वेश्चन मैं ना 4:30 बजे वाले करंट अफेयर क्लास में, मुझे खुद के ऊपर इतना विश्वास है ना कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा एग्जाम का। आप किसी भी साइट कोई भी चैनल का देख लीजिएगा, मिलाकर 3-4 क्वेश्चन ज्यादा रहता और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं करंट अफेयर में आप ज्यादातर स्कोर करो। सही आंसर क्या है इसका, कौन किया था, दिल्ली। अच्छा दिल्ली के सीएम को, सीएम तो सभी को पता है अरविंद केजरीवाल जी, वहां के राज्यपाल कौन है भैया, वहां राज्यपाल नहीं होता है, वहां उपराज्यपाल होता है दिल्ली में, और वो कौन है, अनिल बैजाल। ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने 21 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोल रहा है 21 नंबर में, आवर्त सारणी के समूह को नीचे ले जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है, वैलेंसी, कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट रहता है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, वैलेंसी। भाई जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जीएस वाले प्लेलिस्ट से ना एक बार पीरियोडिक टेबल का पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा, पूरा ए टू जेड समझा दिया गया है, साथ साथ 75 क्वेश्चन भी करवा दिया गया, देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन पूरा छपा छपाया मिलेगा। ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर, 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग सर्किट को तोड़ने या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बंद करने के लिए किया जाता है, तो स्विच का, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा एजेंट संवेदना का स्थानीय या सामान्य नुकसान पैदा करता है, ये क्वेश्चन टफ है, इसको नहीं बोल सकते कि भैया बहुत ज्यादा इजी है या मॉडरेट लेवल, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, आज देखे होंगे आज के सेट में बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो यूनिक है, अपने आप को जज कर ना एक बार कमेंट करिएगा वीडियो के लास्ट में कि 25 में आज आप स्कोर कितना कर पाए, ईमानदारी के साथ स्कोर करिएगा। ठीक है बिल्कुल सही, देखो कुछ आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल देख लो, अब जिनको नहीं बहुत तुक्का भी मार रहे होंगे उसलिए ज्यादातर आंसर सही भी आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तुक्का मत मारिएगा, रट लीजिएगा सवाल को, यहां पर आपको लग रहा है ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन, भैया एक नाम जो है वो हमारा अलग लग रहा है, कॉमन लग रहा है, वही आंसर होगा, अगर चारों कॉमन नाम होता तो फिर आप फंस जाते, तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24x7 अल्ट्रा लो एमिशन जोन लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया, जिसके अंदर वाहनों की उत्सर्जन मानकों को पूरा करना होगा या चार्ज का सामना करना पड़ना होगा, यह क्वेश्चन भी करंट अफेयर में करवाया हुआ क्वेश्चन है आप सभी का, लंदन यूके में। अच्छा लंदन कहां पड़ता है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, थ्रेसा मे के हटने के बाद कौन बना था, सुबह करंट अफेयर में करवा चुके हैं, जो भी 4:30 बजे करंट अफेयर देखे ना वो अपने उनके मुंह पर आंसर है, बोरिस जॉनसन। ठीक है चलो, और अच्छा मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है, तो पाउंड स्टर्लिंग, राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, अगेन हमारे पास क्वेश्चन आ गया है पीरियोडिक टेबल से, एक सेट का पूरा क्वेश्चन है, देख लो एक ही सेट से उठाएं, क्वेश्चन का लेवल देख रहा है ना, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में पड़ जाए, तो पूरा कंसेप्ट पढ़कर जाना है ताकि एग्जाम निकले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंडलीव के अवतरण नियम के अनुसार तत्वों को अवतरण सरणी में क्रमबद्ध किया गया था, कैसे यह आपको बताना है, एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में, सभी को पता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टीसीएस के टॉप 25 क्वेश्चन, और 24 क्लास हो चुका है, 26 क्लास के बाद ना पूरा कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा। हालांकि इसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया, हर एक क्लास का अप टू डेट है, डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। और कल से 1000 क्वेश्चन का सेट आपका स्टार्ट होगा हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर मैथ का, रीजनिंग का ऑलरेडी चल रहा है रात को 10 बजे, ठीक है। चलो